हाय गाइस होप यू ऑल आर डूइंग वेल मैं हूं अनुजा और आप देख रहे हो मेरा चैनल अनुजा एक्सप्लोर तो सबसे पहले आप सबको संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं आज का जो मेरा वीडियो है वो मेरे पुराने वीडियो से डिफरेंट होने वाला है सो so, अभी तक के मेरे वीडियोस मोस्टली टेक वीडियोस थे लेकिन आज का वीडियो है एक फूड रिव्यू वीडियो तो टाइटल में आपने देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में मैं ट्राई करने वाली हूँ मकैन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो मेरा मकैन का फेवरेट प्रोडक्ट जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए तो मेरे पास मकैन के टोटल टेन प्रोडक्ट्स हैं मैंने ये सब बिग बास्केट से ऑर्डर किए थे और मुझे इन सब की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट पड़ी है थाउजेंड रुपीज़ अब मैंने इतने पैसे खर्च कर ही गए हैं तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने सारे फूडी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना तो इनमें से जिसके भी मुझे छोटे पैकेट्स मिल पाए मैंने छोटे पैकेट्स मंगा लिए हैं और जिसके नहीं मिले उसके बड़े पैकेट्स मंगा लिए तो चलिए एक ही करके इन प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो सबसे पहले मेरे पास है मकैन की पोटैटो चीज शॉट्स फिर है चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स वेजी फिंगर्स फ्रेंच फ्राइज पोटैटो वेजेस चिली चीज नगेट्स फिर है आलू टिक्की वेजी बर्गर पैटी मिनी समोसा विथ चीज पिज्जा एंड लास्ट में है पोटैटो स्माइल्स सो so गाइज इन सारे प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी और मुझे कितने प्राइस में पड़े हैं ये मैं साइड में स्क्रीनशॉट में डाल रही हूँ आप इसे वहाँ से देख लीजिएगा साथ ही मकैन के सारे प्रोडक्ट्स को कुक करने के तीन मेथड्स होते हैं या तो आप इन्हें डीप फ्राई कर सकते हो द ट्रेडिशनल मेथड या फिर आप इन्हें एयर फ्राई कर सकते हो अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो या फिर आप इन्हें माइक्रोवेव में बेक भी कर सकते हैं तो अब मैं ज़्यादा वेट नहीं कर पा रही हूँ तो चलिए हम इन सबको फ्राई करते हैं और करते हैं इसका टेस्ट टेस्ट सो so गैस जैसे कि आपने शॉर्ट्स में देखा हमने सारी चीज़ों को डीप फ्राई कर लिया है अब हम उन्हें एक एक करके ट्राई करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिक्स के साथ फ्रेंच फ्राइज और पोटैटो स्माइल्स तो पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ फ्रेंच फ्राइज तो ये फ्रेंच फ्राइज़ देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत क्रिस्पी भी लग रहा है तो अब मैं ऐसे खा के देखती हूँ इस टेस्ट में फ्राइज़ बहुत अच्छे हैं बिल्कुल मार्केट के फ्राइज़ जैसे ही हैं और ऐसा बहुत बार होता है ना जब भी मैं खुद जब भी मैं खुद से कुक करती हूँ फ्राइज़ को तो बहुत सॉगी हो जाते हैं या हम ऑर्डर करते हैं बाहर से तो भी वो बहुत सॉगी हो जाते हैं तो आई थिंक उसके कंपैरिजन में ये बहुत बेटर ऑप्शन है कि आप उन्हें बहुत आसानी से फ्राई करो और मार्केट जैसे फ्राइज़ इंजॉय करो नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं पोटैटो स्माइल्स ओके सो टेस्ट में फ्राइज़ और पोटैटो माइज ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं लेकिन जब आप उसे ऑयल में डीप फ्राई करोगे तो इसमें ऑयल का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है साथ ही फ्राइज़ में जो एक क्रिस्पी वाला फैक्टर होता है ना उससे वो बहुत अच्छा लगता है और ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो आई थिंक दोनों में मैं फ्राइज़ को प्रेफर करूँगी सो गाइस सेकेंड नंबर पे हम ट्राई करने वाले हैं तीन बहुत ही सिमिलर दिखने वाले प्रोडक्ट्स तो सबसे पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ ये चिली गार्लिक पोटैटो बाइट्स ओके ये दोनों चिपक गए हैं ओके तो अब मैं इसे खा के देखती हूँ गाइस इसका टेस्ट अच्छा है इसमें पोटैटो के छोटे छोटे बाइस हैं जो इसको एक बहुत अच्छा क्रंच दे रहे हैं गार्लिक का फ्लेवर इसमें बहुत स्ट्रांग है और इसमें छोटे छोटे चिली चिली फ्लेक्स भी हैं जो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं तो ओवरऑल वेरी गुड प्रोडक्ट नेक्स्ट हम ट्राई करने वाले हैं पोटैटो चीज़ शॉर्ट्स तो मेरा एक वो टाटो चीज़ शॉर्ट था जो कढ़ाई में डालते ही फट गया था पर मैं आपको अच्छा वाला टेस्ट करके दिखाती हूँ तो ये तोड़ के कुछ ऐसा दिखता है आपको इसमें चीज़ दिखाई दे रहा होगा अब इसे खाते हैं बस ये लास्ट वाले से बहुत अच्छा है इसमें चीज़ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है इसमें चीज़ के साथ थोड़े हर्ब्स भी हैं बट चीज़ पावर्स द मॉल इट्स वेरी गुड नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं चिली चीज़ नगेट्स तो ये देखने में थोड़ा येलो इस लगता है मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि पोटैटो चीज़ शॉर्ट्स और ये चिली चीज़ नगेट्स थोड़े सेम सेम होंगे अब इसको अंदर से भी देखते हैं तो देखने में तो ये सिमिलर लग रहे हैं लेकिन टेस्ट में मुझे जो पोटैटो चीज़ शॉर्ट्स है वो बहुत बेटर लगे ये कुछ ऐसा है कि अगर आप पोटैटो चीज़ शॉर्ट्स को एलोपिनो डिप में मिला के खाओगे ना तो वो चिली चीज़ ना बन जाएगा इसमें भी चीज़ का फ्लेवर आया है लेकिन जो स्पाइसेस के फ्लेवर है वो चीज़ के फ्लेवर को बहुत ओवरपावर कर ले रहे हैं जो उसके टेस्ट को थोड़ा उतना अच्छा नहीं लग रहा तो इन तीनों में मेरा प्रेफरेंस होगा पोटैटो चीज़ शॉर्ट्स तो गैस नेक्स्ट हमारी है दोनों पैटीज़ फर्स्ट है आलू टिक्की और सेकेंड है वेजी बर्गर पैटी तो मैं आलू टिक्की से स्टार्ट करती हूँ ये कुछ ऐसी दिख रही है इसकी आउटर लेयरिंग काफी क्रिस्पी है अब मैं इसे ट्राई करते देखती हूँ ये जो आलू टिक्की है वो चिली गार्लिक बाइट्स से काफी सिमिलर है मतलब आलू टिक्की इज चिली गार्लिक बाइट्स माइनस द गार्लिक और ये जो है अच्छी है टेस्ट में अगर आपको घर में आलू टिक्की चाट बनानी है दही वाली चाट बनानी है तो आप इसको फट से फ्राई करके बना सकते हो काफ़ी अच्छी लगेगी आप ट्राई करते हैं बर्गर पाटी तो गाइस आप सब लोगों ने मैकडोनल्स में और बर्गर किंग में वो आलू टिक्की वाला बर्गर तो खाया खाया ही होगा तो ये जो बर्गर पैटी है बिल्कुल उसकी पैटी की तरह लग रही है एंड टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप कोविड में बाहर का खाना नहीं खाना चाहते हो तो आप बर्गर वंस ले आइए ये, ये पैटी को फ्राई कर लीजिए और अपना घर पर जल्दी से बर्गर बना के उसे इंजॉय कर सकते हैं तो ओवरऑल दोनों बहुत अच्छी हैं पर अगर मुझे रेट करना होगा तो मैं इस बर्गर पैटी को बेटर रेट करूँगी तो कहीं हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है समोसा विद पिज़्ज़ा चीज़ ये कुछ ऐसा दिखाई देता है इस प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग थी वो भी बाकी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट थी ये बहुत बहुत सुंदर से बॉक्स में आया था विथ वेरी गुड पैकेजिंग अब मैं इसे खा के देखती हूँ तो ये पिज़्ज़ा कुछ ऐसा दिखता है आई एम नॉट श्योर आप देख पा रहे हो या नहीं बहुत अच्छा दिख रहा है अंदर से Guys, ये समोसा बहुत ही अच्छा है और अगर आपने मैकडोनल्ड्स में पिज़ा पॉकेट पॉकेट खाया होगा तो ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट करता है इसमें चीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छा है साथ ही इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी हैं जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं अभी तक तो हमने जितने भी प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं उसमें ये है मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है सो so गाइज हम आ गए हैं हमारे लास्ट टू प्रोडक्ट्स पे तो लास्ट टू है पोटैटो वेजेस और वेजी फिंगर्स ये मैंने लास्ट टू पे इसलिए रखे थे क्योंकि मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ और मुझे इतने पसंद नहीं आए थे पर फिर भी हम मैंने फिर से ट्राई करके देखते हैं तो पहले मैं ट्राई कर रही हूँ पोटैटो वेजेस जो वैसे पोटैटो वेजेस बहुत ही बेसिक टेस्ट करते हैं मतलब आप जो बाहर पोटैटो वेजेस खाते हो डोमिनोज में मैगडामोज में वैसे ही टेस्ट करते हैं लेकिन अगर आप घर में बनाना चाहते हो तो आप अगर नॉर्मल पोटैटो भी फ्राई कर लोगे तो वो भी कुछ ऐसा ही लगेगा साथ ही इसके पैकेट में लिखा था कि हर्ब कोटेड पोटैटोज लेकिन इसमें हर्ब्स का या किसी स्पाइसिस का उतना टेस्ट नहीं आता है तो दे आर ओके ओके आई डोंट लाइक देम पर्सनली अलॉट नेक्स्ट है वेजी फिंगर्स तो ये वेजी फिंगर कुछ ऐसा दिखता है इसके अंदर वेजिटेबल में यू कैन सी पोटैटो कैरेट और कुछ पीस अब मैं इसे खा के देखती हूँ से okay. so, उतना बुरा नहीं है ये काफी रिसेंट टेस्ट कर रहा है इसमें मसालों का टेस्ट काफी अच्छा आ रहा है और ये आप जैसा पोटैटो वेजी फिंगर्स बाहर खाते हो वैसा ही टेस्ट करता है सो so गैस ये थे मकान के सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने मंगाए थे इनमें से अगर मुझे अपनी टॉप थ्री फेवरेट्स बताने होंगे तो पहला होगा समोसा वो मुझे बहुत ही पसंद आया था उसके बाद होगा पोटैटो चीज शॉर्ट्स और फ्रेंच फ्राइज इसके अलावा जो दो प्रोडक्ट्स मुझे पसंद आए वो थे बर्गर पैटी और आलू टिक्की उसे आप अपने घर में बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो अगर आपको बर्गर बनाना है या चाट बनानी है उसके अलावा जो दो प्रोडक्ट्स जो मुझे इतने पसंद नहीं आए वो थे पोटैटो वेजेस और स्माइल्स उनमें थोड़ा ऑयल का क्वांटिटी ज़्यादा था और ओवरऑल टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था सो so गाइज आपका मकैन का फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है और क्या आप ऐसे वीडियोज और देखना चाहते हैं ये आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अंटिल नेक्स्ट टाइम बाय बाय